पंजाब दे हालात दिन ब दिन खराब हुंदे जा रहे ने। आए दिन रिश्तियां दा जनाजा कटदियां घटनावां सामने आ रहियां ने, पर कानून व्यवस्था दे वादे करन वाला साडा पंजाब प्रशासन इन्हां घटनावां तों पासा बट्टी बैठा है। ते साडे मुख्यमंत्री साहब अपने लीडरां दे अहुदे बदलन अते उन्हां दी नाराजगी च उलझे फिरदे ने, ते साडे पंजाब च कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी पई है। कैप्टन साहब ना तां अपने मंत्रियां नूं संभाल पा रहे ने ते ना ही कानून व्यवस्था नूं। हुण पंजाब दी कानून व्यवस्था दी पोल नूं खोलदा मामला सामने आया है संगरूर तो, जिथे एक चचेरे भरा ने दूजे भरा नूं शरेआम ही मौत दे घाट उतार दिता। जानकारी मुताबिक यह कतल पुरानी रंजिश दे चलदे होया। दस दईए कि पिता पुत ने जगसीर खान दी छाती विच तेज धार किरच खोब दिती। उक्त व्यक्ति दी मौके ते ही मौत हो गई। इस मौके मृतक दे पिता ने मीडिया नूं सारी गल दसी किवें ते क्यों यह घटना घटी। की लगदा सी मेरा लड़का सी जी। अच्छा, किस तरह हुई घटना? घटना तो उत्तो बुला लिया भी नीचे आई कम है कोई। अच्छा। जो नीचे आया तो दोहे बराबर खड़े सी। अच्छा। ते एक ने किरच कढ के पैसे बखी जी मारी सज्जे पासे। ते दूजे ने पकड़ लिया जी। किथे डेथ हुई जाके? डेथ जाके भानीगढ़ जी। की चाहुंदे हो तो उन्हें तो बनती कार्रवाई बननी चाहिए करनी चाहिए जी। सगे भरा का बेटा सी? सगे भरा भरा दे पोता सी जी। नाल पहला दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं जी, वधिया वरतदे ते कुछ जिहड़ा हस के बोलदे सी। थाना भवानीगढ़ के इंस्पैक्टर गुरिंदर सिंह ने कहा कि कतल के कारणों की फिलहाल कुछ स्पष्ट वजह सामने नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि पिता अजीज खान के बयान उत्ते असलम खान अते प्रिंस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्हों की गिरफ्तारी लई छापेमारी की जा रही है, उन्होंने छेती ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पिंड राय सिंह वाला च जगसीर खान का मर्डर होया, तो वो सगे ताए का मुंडा असलम खान है, नाल उहदा भतीजा सी प्रिंस खान। इन्होंने कल उन्होंने तकरीबन 9:30 रात को घरों बुला के टैलीफोन से मतलब उपर चुबारे पिया से उन्होंने थले आने लगे। जो बाहर आया तो रिंकू ने प्रिंस खान ने बाहां फड़ लिया, तो असलम खान ने उहदे किरच मारी है, तो जिहदे नाल उहदा मतलब लीवर डैमेज हो गया, तो उहदा मर्डर हो गया। तो मामला अजे वजह बहुत ही क्लीयर नहीं हुई, पर मतलब मुढ़ले तौर पर यह पता चलिया भी इन्हों का कोई आपस तकरार होया पिछले दिनों, जिस करके मतलब इन्हों का आपस राजीनामा भी हो गया सी। ते पर अजे कोई जी क्लीयर वजह सामने नहीं आई, तफ्तीश कर रहे हैं। अजे दोवे भगौड़े ने जल्दी इन्हों काबू करके तो जोड़े असल तत्थ ने सामने लेंदे जाएंगे। कोई अजे गल क्लीयर नहीं है, मतलब इस स्टेज पर कुछ दसना मतलब जोड़ा जायज़ नहीं है। जदों ये आ जाएंगे दोषी काबू तो फिर सारी स्थिति क्लीयर हो जाएगी, अकॉर्डिंगली तुहानू असीं इनफॉर्मेशन देंगे। गिरफ्तारी नहीं हुई है हले, भजे हुए ने घरों। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो। वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।